नूरुल हुदा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप पे 5 से ज़्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त तो व्हाट्सएप पे एक टर्म एंड कंडीशन आई है कि आप कोई भी चीज़ किसी को भी 5 से ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो, ये वीडियो है, इसको अगर हम व्हाट्सएप पे ले जाएं तो 5 लोगों से ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते। जैसे कि हम इनको टैग कर रहे हैं, इनको इनको यहाँ पे और यहाँ पे हमने 5 टैग कर दिए हैं। अब 6वां टैग करेंगे तो ये लिख के आएगा। अब देख रहे हैं, यू कैन ओनली शेयर विद अप टू 5 चैट्स, मतलब 5 लोगों से ज़्यादा आप शेयर नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त जो है स्कूल्स जो है ऑनलाइन चल रहे हैं और ज़्यादातर सब व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। तो आप ऐसी ट्रिक अपनाइए कि एक ही क्लिक में कम से कम 250-300 लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाए। और इस तरह से कई ग्रुप बना लिए, जितने आपके हों एक ग्रुप में 250-300 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से 5 ग्रुप अगर आप बना लेंगे तो एक साथ 700-750 लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आप अपना WhatsApp ओपन करिए। WhatsApp के राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे 3 डॉट बने हुए हैं, वहाँ पर क्लिक करिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर न्यू ब्रॉडकास्ट, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप 256 लोगों को सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 256 लोगों को सेलेक्ट करिए। हम इस तरह से आप सबको सेलेक्ट करते जाएं, जिसको आप चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप चाहें जिसको नहीं सेलेक्ट करें। तो इस तरह से आप 256 लोगों को सेलेक्ट कर लें। अगर गलती से कोई सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे जो स्क्रॉल हो रहा है, तो उसको आप यहाँ जो कट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें, वो हट जाएगा। और उसके बाद जब आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दें। इस तरह से ये आपकी रेसिपिएंट बन गई हैं। तो अगर आप चाहें इसका नाम चेंज करना तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आजकल क्लासेस चल रही हैं तो क्लास टू, इस तरह से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे क्लास 2 का नाम आ गया है। और अगर क्लास 2 है फिर अब बाद में कोई किसी को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें यहाँ पे, और फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं फिर इस तरह से। और अगर फिर यहाँ से आप अगर किसी को निकालना चाहते हैं तो एडिट यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आइए इस पर शेयर करके दिखा देता हूँ। इस पर शेयर करेंगे तो सब लोगों को एक साथ मैसेज जाएगा, और अलग अलग, ये ग्रुप नहीं बना है, ये सबको अलग अलग मैसेज जाएगा। सामने वाला यही समझेगा कि आपने उसे प्राइवेट मैसेज किया है, तो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे कि उन्होंने हमें प्राइवेट मैसेज किया है। ग्रुप में रहता है तो ग्रुप में लोग समझते हैं कि इस ग्रुप में इन्होंने डाल दिया, पता नहीं सबके लिए है या हमारे लिए है। अगर आप प्राइवेट मैसेज करते हैं तो उससे ज़्यादा असरअंदाज होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए हेल्पफुल है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।